भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जोरदार हमला किया है कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी के ऊपर भी। साफ तौर पर लगातार जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो उस दौरान वो इस बात को लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस के शासनकाल आएंगे उस वक्त जो है वो लागू हो जाएगा, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं। इस बात को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने जो संविधान बना हुआ है तो उसको फिर से देखने के लिए उन्होंने एक आयोग का भी गठन कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान में जो आरक्षण प्राप्त है लोगों को उसको धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ा अति पिछड़ा के आधार पर जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते उन्होंने कहा है कि 400 पार की जो बात वो कर रहे थे अब वो खुद पार हो गए हैं। किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है और क्या कुछ कहा है आप खुद सुने। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था जिससे कि संविधान को जो बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम सीनियर नरेंद्र मोदी। सर तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि पांचों सीट पर हम आगे रहेंगे। इस 400 का पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी, 400 के पार का नारा, ये तो अपने पार खत्म हो गए ना, ये 400 400 बोल रहे हैं।